गिल्बर्ट ट्रेल होने के बाद हम उस शाम को गए सनसेट पॉइंट पे। तो अभी हम फिर सनसेट व्यू पे आ चुके हैं, शाम हो गई है। गिल्बर्ट ट्रेल मैंने सुबह दिखाया था, सनसेट में शाम को दिखा रहा हूँ। आज हम थोड़ा सा जल्दी आए ताकि बिल्कुल अंधेरा ना आए, और मेरे हिसाब से बेस्ट सनसेट होगा आज तक का मेरी जिंदगी का जो मैंने देखा है। डफा डफा डफा, कैसा लग रहा है सनसेट? ओए नूने, देखी नहीं रहा, देखी अच्छा। ओए डफू, चल बाय बाय। नहीं नहीं, अब नहीं मारूंगा, ठीक है। तो भाई क्या डफू, कैसे लग रहा है बच्चे को? और ये आगे वाली पूरी रोड जो जा रही है इसमें बहुत कम दिख रही है, लाइट आ रही है वैसे वैसे एक्चुअली में। हाँ आगे आगे, ये पूरी रोड सीधा जा रही है हेरिटेज मार्केट की ओर। और अगर हम इधर तो वहां से स्टार्ट हो जाएगी गिल्बर्ट ट्रेल। यहाँ से लगभग स्टार्ट होती है माल रोड, और ये अपर माल रोड है। यहाँ पे सारी कपड़ों की दुकानें हैं, फिर एक ये सब्जी की दुकान आ गई ऐसी का। कहाँ है ऊपर? हाँ ये रिजर्ट पर जो डुप्पी। हाँ ले सकते हैं, लेनी आगे देखते हैं। ये खाने पीने पकौड़े वगैरह दुकान, जयंती स्टॉल। ये तो है अपर माल रोड जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये आ गया मेजर ध्यानचंद चौक, और यहाँ से अपर माल रोड ख़त्म हो गई। यहाँ से अब लोअर माल रोड या फिर हेरिटेज मार्केट स्टार्ट होने वाली है। हेरिटेज मार्केट स्टार्ट है। नहीं नहीं और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकान है, काफ़ी सारे कैफेज हैं, और तिब्बत मार्केट भी यहाँ की यहीं पर है। ये कलेक्टेबल्स की शॉप है, यहाँ पे काफ़ी सारे वुडन वर्क का सारा सामान है यहाँ पे, और इतना गिफ्ट शॉप ही है। ये नीचे स्लीपर वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट पड़े हुए हैं। भैया ये क्या होता है? प्लांटर। ये प्लांटर है? हाँ लग सकते हैं। ऊपर कितने का है? प्लांट ग्रो करने के लिए 100 का है। 100 का है? ऊपर लगाने के लिए ले सकते हैं। हाँ ये दो दे दो यार। डफो का कलर ये यहाँ पे गरम चप्पलें जो होती है, और छोटे बच्चों के लिए चप्पल, लड़कियों के पोंचोस वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये गरम सॉक्स। और आगे काफी कैफेज भी हैं, जैसे मॉम्स किचन हो गया, और इधर कैफे वो कसौली हो गया, पूरे कैफेज हैं। आगे भी एक दो कैफे और हैं रोड पे, खाने पीने की दुकान है, और ये सारी गरम कपड़ों की दुकान है ज़्यादा है यहाँ पे। स्टार्टिंग में जो अपर माल रोड मैंने दिखाई थी वहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी थी मेन के लिए, यहाँ पे तो बेसिकली शॉल्स वगैरह वुमेन के लिए ही ज़्यादा सामान है। और अभी आगे चलते हैं। अब आगे कसौली की मोस्ट फेमस दुकान, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, और ये दुकान मैंने अपनी चैल ट्रैवल सीरीज़ में भी दिखाई थी, और इस दुकान के बन समोसा और बन गुलाब जामुन बहुत फेमस है। मॉम्स किचन की ओनर बहुत स्वीट थी, उन्होंने डफी को अलाउ कर दिया अंदर, और इसका हमने खाना भी लिया था। यहाँ से हमने चिकन पास्ता और चिकन सैंडविच लिए थे जो कि बहुत बढ़िया थे।
वहाँ जाके। हेलो हेलो कर दे। हेलो नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं वैसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा गुस्सा आ रहा है। हेलो पीछे करता है वो ना। हाँ जी, तो आज है डे थ्री कसौली। हमने डफू चल रहे बच्चे, अभी मैं डफू को घुमा के नीचे जा रहा हूँ और आज हमारी वापसी है। होटल का चेकआउट है आज, आज हम दिल्ली के लिए निकलेंगे वापसी। तो वही है, अब नाश्ता करते हैं नीचे जाके और उसके बाद फिर निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। 6-7 घंटे तो लगेंगे दिल्ली तक पहुंचने में यहाँ से। इस होटल का जो पार्किंग स्पेस है ना, उस पर एक पेड़ है जरा, और उन्होंने पेड़ को काटा नहीं है, कुछ करा नहीं है, इसके अराउंड ही बना दिया है ये लोहे का पार्किंग स्पेस। इसी के नीचे पूरा होटल है और ये दो लोग यहाँ के यहीं गई हैं, इन्हीं के पहले आए यहीं रहते हैं। स्टाफ भी बढ़िया था और मैनेजर भी अच्छे थे, काफ़ी सही रहा पूरा। मतलब ये ट्रिप 2 दिन का ही था वैसे, छोटा शॉर्ट ट्रिप थी ये, बट काफ़ी सही रहा। और इस एक होटल की मेरे को एक और बढ़िया बात लगी, होटल की तो क्या मतलब यहाँ की, कि एक तो अगर सौली है मिलिट्री एरिया तो यहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल कम है, बिल्कुल बहुत कम है। कि अगर बंदे रात को 8-9 बजे या 10 बजे भी घूम रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी वाले राउंड पे ही रहते हैं हर टाइम, जिप्सी भी होती है, उनकी बाइक्स भी राउंड पे रहती हैं कि कोई दिक्कत ना हो। और एक रीज़न ये भी होता है इस चीज़ का कि एक तो ये पहाड़ी इलाका है तो एनिमल्स वगैरह का भी डर रहता है थोड़ा बहुत रात को सुनसान में। दिन में तो कुछ नहीं होता, दिन में तो काफ़ी कुछ चलते रहते हैं लोग। वापसी में हमारे डफू भाई साहब चलाएंगे गाड़ी और बस अभी निकल रहे हैं। ये था होटल का सॉली रॉक्स, मैं दिखा चूँगा आपको, पहले रूम टूर भी दे दिया था, काफ़ी अच्छा होटल लगा हमें, स्टाफ भी बढ़िया था। अभी इस हाईवे पे ही हमारी यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है और यहाँ पे आई लव हिमाचल लिखा हुआ है। ये नीचे जाते वक्त आता है ये चीज़, और अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो जा, पिछली बार आए थे तो यहाँ तक भी नहीं आ सकते थे, पूरा ये बंदा हुआ था। इस बार यहाँ तक इस स्पेस में खड़े हो सकते हो बट अंदर नहीं जा सकते। आई लव हिमाचल पूरा पार्क टाइप में मार्क है बट ये लोग गंदा ना कर दे इस चक्कर में। अंदर बेंचेस भी हैं, ये बेंचेस, बट ये लोग गंदा ना करते इस चक्कर में, ये रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे एंट्री। वैसे टाप तो सकते हो टापने को तो, बट रिस्ट्रिक्टेड है तो रहने ही देते हैं।